मैं शिव हूँ, मैं ही तो हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वैरागी ट्रिपू टेम्पल्स कंपनी की सहायता से लेके चल रहा हूँ आपको आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा पर। पिछले दो एपिसोड्स में आपने देखा हम दिल्ली से पिथौरागढ़ आए, तीन प्रमुख मंदिरों के दर्शन करते हुए उसके बाद धारचूला से होकर कुछ प्रमुख तीर्थ स्थलों को देखते हुए आदि कैलाश के दर्शन प्राप्त किए और वापस गुंजी आए जहां से हमारे एपिसोड तीन की शुरुआत होनी है। डे 5, पांचवा दिन। यात्रा का पांचवा दिन सुबह सुबह एक संकेत लेके आया था जिसका नाम था बादल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर कैंप्स। हम हैं डे 5 पे और आज हमारी यात्रा होने वाली है ओम पर्वत की। देख लो आज आसपास का वेदर, अगर आप देखोगे पूरा क्लाउडी हो रखा है। होप करेंगे कि अभी ये क्लाउड छट जाए क्योंकि हमारी यात्रा नहीं हो पाएगी और हमें दर्शन नहीं हो पाएंगे ओम पर्वत के अनटिल अनलेस ये जो आपको पीछे क्राउड दिख रहा है खुले ना। तो इस क्राउड को खुलने के लिए हम वेट कर रहे हैं। जैसे क्राउड खुलेगा, क्लाउड्स कम होंगे, तभी हमारे आगे के दर्शन होंगे। इतनी ज़्यादा ठंड है कि मैंने ब्लैंकेट के नीचे अपने पावर बैंक्स के साथ बैटरीज वगैरह चार्ज कर रहा हूँ। 1 कैमरा 2 कैमरा, एक बाहर लगा हुआ है और एक DSLR है, दैट इज़ द DSLR, और एक और कैमरा बचा है। तो इस सारे कैमराज को पूरा फुली चार्ज करने के बाद निकलेंगे ओम पर्वत यात्रा के लिए। बारिश के बंद होते ही हम सभी ने सुबह का नाश्ता किया जो कि सभी लोगों का फेवरेट था, इडली डोसा और साथ में कॉफी। नाश्ता कर हम सभी ने बैग पैक किया क्योंकि आज गुंजी कैंप से छोड़कर एक अनोखे ट्रैवल विलेज में रहने जा रहे थे जो कि आपको आगे पता चलने वाला है। लगभग 3 से 4 चेक पोस्ट पार कर हम धीरे धीरे ओम पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे वेजिटेशंस दिखना बंद होने लगी थी, हवा में रूखापन, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी। इतना सुंदर वातावरण वो भी बिना किसी वेजिटेशन के, ये केवल कैलाश के पहाड़ों के पास ही पॉसिबल है। उसी रास्ते पर कुछ ही दूरी पर काला पानी पड़ता है और काला पानी से करीब 12 किलोमीटर दूर तिब्बत की ओर नाबीढांग है। यह इलाका भारत की सुरक्षा के लिहाज से सबसे प्रमुख है। नाबीढांग के दाईं ओर करीब 3 किलोमीटर दूरी पर भारत, नेपाल और तिब्बत का ट्राई जंक्शन मौजूद है। और कुछ ही देर में हम पहुंच गए दुनिया के सुपर नेचुरल वंडर के पास जो कि है ओम पर्वत। बर्फ से पटे पहाड़ों के बीच साक्षात ओम लिखा देखकर कोई भी हैरान रह सकता है। पहुंचने के बाद बैठ के केवल आसपास के वातावरण को एब्जॉर्ब कर रहा था, केवल सोशल मीडिया पर देखा था, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करने वाला था मैं ओम पर्वत के। कुछ देर ढूंढने पर ना मिलने पर हमने गाइड से पूछा कहाँ है ओम पर्वत। उन्होंने कहा कि बादलों से ढके हुए हैं। वैसे तो बादल पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ाते हैं लेकिन यहाँ मुझे बादलों की वजह से मायूसी हुई। करके दिखाऊं तो हमारे नाग पर्वत है उधर, यहाँ पे मैंने हाइपरलैप्स के लिए एक कैमरा लगाया हुआ है सेट। नाग पर्वत के जिस दिन दर्शन होते हैं जिस समय पे तभी हमारे ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। तो हम वेट कर रहे हैं नाग पर्वत के दर्शन होने के, उनके होते ही हमारे ओम पर्वत के, महादेव के, ओम ओमकार के दर्शन।
कुछ देर हम सभी ने ओम पर्वत के सम्मुख बैठकर मेडिटेशन ध्यान ओम का उच्चारण करते हुए किया। हिंदू परंपरा में ओम शब्द को सबसे पावन माना गया है। यह ध्वनि भौतिकता का अंतिम कदम है, इसलिए ओम यूनिवर्सल साउंड है या सृष्टि या मौलिक ध्वनि के रूप में माना जाता है। आपके भौतिक अस्तित्व की बुनियादी ध्वनि है ओम। यदि आप अपनी प्रकृति से मौन हो जाते हैं तो आपके शरीर में केवल ओम की ध्वनि ही गूंजती है। यह नाभि के नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ साउंड है, ध्वनि है, जो कि आपके ब्रेन तक वाइब्रेशन जाती है। यदि आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, विकृत सपनों को देखते हैं, खराब सपने या फिर अस्थिर दिमाग और अस्थिर शरीर से परेशान हैं, यदि आपके शरीर की सामान्य स्थिति कमज़ोर है और आप बीमार पड़ते रहते हैं, तो रोज़ाना कुछ मिनटों के लिए ओम ध्वनि का उच्चारण करें। यह आपको फोकस, अटेंटिवनेस और मानसिक स्थिरता देता है। மனம் செய்டி பிறந்த பழவழியாரோடு கூடிய மானுக்கு பல்லாண்டு கூறுதுமே, பல்லாண்டு கூறுதுமே. अभी मैं एक आपको रोचक तथ्य बताने वाला हूँ। नासा ने अभी एक वीडियो रिलीज़ की है हाल ही में, जिसमें उन्होंने बताया है कि स्पेस में कैसी आवाज़ आती है। जो बात आज से हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे पूर्वज कह के चले गए कि सभी चीज़ की उत्पत्ति ओम से हुई और विनाश भी ओम के अंदर ही होगा, वो आज नासा ने प्रूव कर दिया। बादलों में तो यह ओम के आकार का पहाड़ ऐसा लग रहा था, लेकिन यदि मौसम साफ रहे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिमालय में कुल 8 जगहों पर ओम की आकृति बनती है, लेकिन अभी तक केवल इसी जगह की खोज हुई है। इस पर्वत पर बर्फ गिरने से प्राकृतिक रूप से ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। दिस इज अवर कुमाऊं मंडल विकास निगम कैंप्स। सिर्फ कुछ ही मीटर्स की दूरी पे है ओम पर्वत के, और यहाँ पर आपके हैं किचन, डाइनिंग हॉल। किचन अंदर है, जहाँ पे फ्रेशली हाइजेनिक फूड मिलेगा आपको। अगर मैं आपको अंदर दिखाऊँ, जितना हो सके सात्विक मील मिलेगा, आप आराम से स्टे करके यहाँ पे सात्विक मील का आनंद ले सकते हैं। ट्रिप टू टेम्पल कंपनी ने हमारा लंच केम्वियन के कैंप्स में रखा था, जो कि ठीक ओम पर्वत के सम्मुख था, जहाँ तक किसी अन्य यात्रियों को आने की अनुमति नहीं थी। अन्य यात्री पीछे से ही दर्शन कर वापस चले जाते थे। ओम पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से 6191 मीटर या यूं कहूं कि 20,000 फीट बताई जाती है। वापस जाने से पहले हम एक एक क्षण रुक कर मुड़ के देख रहे थे कि शायद अब दर्शन हो जाए और अब दर्शन हो जाए, लेकिन जो लिखा होता है उसको कौन टाल सकता है। शायद महादेव दोबारा बुलाना चाहते हैं मुझे, क्योंकि इस रास्ते में कुछ ही दूरी पर स्थित है कैलाश मानसरोवर, जो कि शिव भक्तों के लिए सबसे पावन धाम है।
वापसी की ओर लगभग 12 किलोमीटर दूर पड़ता है कालापानी, जहां पर है काली माता मंदिर। कालापानी को ही भारत काली नदी का उद्गम स्थल मानता है। यहां आईटीबीपी ने चंडी माता के काली मंदिर का निर्माण करवाया है, जिसकी देखरेख आईटीबीपी ही करते हैं। काली मंदिर के गर्भगृह से ही काली नदी का उद्गम हुआ है। कालापानी में 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान बनाए गए बंकर आज भी मौजूद हैं। जिस प्रकार हमारे लिए हरिद्वार तीर्थ नगरी पुण्य समान है, वैसे ही कालापानी भी रंग समुदाय के लिए पवित्र स्थल है, क्योंकि कालापानी में रंग समुदाय, जो कि वहां के आसपास के गांव वाले हैं, अस्थि विसर्जन करने आते हैं। के बाद हम सभी ने वहां पर मिलकर वृक्षारोपण किया। कालापानी में जहां एक और काली माता मंदिर है, वहीं दूसरी ओर एक पहाड़ी के ऊंचे स्थान पर मौजूद है व्यास गुफा। इस गुफा तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, इसी के चलते आज तक कोई भी इस गुफा तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास ने इसी गुफा में वर्षों तक तपस्या की थी और उन्हीं के नाम पर इस घाटी का नाम भी व्यास घाटी पड़ा। दर्शन कर हम सभी ने मिलकर हमारी सुरक्षा में तैनात आर्मी के जवानों को राष्ट्रध्वज तिरंगा गिफ्ट किया और चल पड़े वापसी की ओर। हम पहुंचने वाले थे नाभी गांव, जहाँ रास्ते में हमें एक बहुत ही अलौकिक मंदिर दिखा। बिना समय गंवाए हम दर्शन के लिए चल पड़े। यहाँ इस एक फ्रेम में मुझे दो दो शताब्दी देखने को मिल रही हैं, जहाँ एक और बैल से हल से खेती कर रहे हैं फार्मर्स, वहीं दूसरी ओर नई मॉडर्न मशीनरी से भी लोग खेती कर रहे हैं। मनोकामना मंदिर के दर्शन कर हम निकले रंग समुदाय के प्राचीन गांव नाभी में, जहाँ हमारा स्वागत कुछ इस तरह किया गया। आपको दाढ़ी भी आना चाहिए। हाँ, यही आएगा। ये क्यों आएगा?
ओम नमः शिवाय। लगेगा टीका लगाना सर, टीका लगाना। ये तो शुरुआत है सर, अच्छी संकेत है अच्छे। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय बोलेनाथ, जय बोलेनाथ। क्या क्या पहना है वैसे आपने? सर ये है चंद्रार है, ये लंबा वाला। अच्छा, ये हमें जुरू कहते हैं इसको। ओके, ये पटियाला वाली है, वो हाथ में ही पहन रखी है हमने। ये काफी भारी है, इसको भा कहते हैं। अच्छा, और ये जो है वहाँ पहुँचकर हमें नाभी गांव के होमस्टे में रुकने के लिए वहाँ के सबसे पुराने लगभग 220 वर्ष पुराने घर में रुकने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि उस समय में केवल 5,000 रुपयों में बनाया गया था। इस दहली में काटना से ऊपर पुराना मकान, सबसे बड़ा मकान, सबसे बड़ा और पुराना मकान। पुराने और सबसे बड़े घर में से एक रूम मिला है, जहाँ की आप देख रहे हो बाहर का। अगर आपको सीन दिखाऊं तो खिड़की से कुछ बाहर ऐसा है। ये आपके पीछे क्या है? अच्छा, ये रूम है। क्या बात है, क्या बात है। सिक्स बेड्स, प्योर वुडन होम्स, वुडन फ्लोरिंग, दो दो रजाई दी गई है पर पर्सन। गेट और घर पर बनी मनोरम नक्काशी तो देखते ही बनती है। 4,000 रुपए का। कुछ देर हम आराम कर रंग समुदाय के कल्चरल प्रोग्राम्स देखने के लिए मंच के पास आकर बैठ गए, जहां गांव के प्रधान मदंग सिंह नब्याल जी ने हमें संबोधित किया। आप भी इंजॉय करिए हमारे साथ। मेरा नाम श्री मदन सिंह नव्याल और नव्याल संघ नाभी अध्यक्ष और ग्राम प्रधान नाभी प्रतिनिधि। आज भोले शिव शंकर के गोद में बसा हुआ हमारा व्यास घाटी पवित्र धरती पर आप सभी के आगमन पर मैं पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने एक सांस्कृतिक कल्चरल कार्यक्रम का प्रस्तुति जो भी है, दो चार हम आप लोग के सम्मुख हम प्रस्तुति रखते हैं। पहला एक स्वागत गीत के साथ आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करेंगे। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम
चीनी सतुमन धुम इन मुनिशारी गामियम चीनी सतुमन धुम इन मुनिशारी और इसी डांस के साथ शाम होते होते कार्यक्रम समाप्त हो गया। जिसके बाद हमारे लिए बोनफायर कुक्ड डिनर रेडी किया गया था। राजा इधर आ रहे हो क्या? जिसको ग्रहण कर हम आराम से सो गए। डे 6 छठा दिन। सुबह सुबह चलिए कुछ हवाई सैर पर लेके चलता हूँ आपको। यह हवाई सफर हमारी उड़न तश्री ने करी, जिसकी अनुमति और जगह मिलती तो शायद आपको कुछ ऐसे दृश्य और देखने को मिलते। इसके बाद हम सभी ने ग्रामीणों द्वारा बनाया नाश्ता कर उन सभी को धन्यवाद कहा। और निकल पड़े गाड़ी की ओर। आज के दिन हम सभी ने काफी लंबी यात्रा करनी थी। आज नाभी गांव से वापस हम गुंजी, गरब्यांग, चिया लेक, बूंदी, लामरी से होते हुए धारचूला और फिर चकोड़ी तक पहुंचना था। लगभग 250 किलोमीटर का सफर एक दिन में तय करना था इसी कैलाश मानसरोवर रोड पर। जरा नीचे तो देखिए, खतरनाक 36 पैंट्स। वर्षों पुराने इस रास्ते को, इसी रास्ते से लोग कैलाश यात्रा किया करते हैं। धारचूला दोबारा आकर कुछ अपनापन सा लगने लगा। खातिरदारी ही कुछ ऐसी की जाती थी हमारी। डॉर्मेटरी में आकर हम फ्रेशन अप हुए। मेरे सभी कैमरे का डाटा फुल हो गया था, इसलिए मैंने उसे लैपटॉप में ट्रांसफर किया और उसके बाद स्वादिष्ट लंच किया। और अपने मित्र बन चुके सभी ट्रिप टू टेंपल्स के सदस्यों को धन्यवाद कहते हुए निकल गए फिर से चौकोड़ी की तरफ। जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
लगभग 4 से 5 घंटे के सफर के बाद पहुंचे हम चौकोड़ी, जो कि एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन थी केएमवीएन की तरफ से, जहां से ऊंची ऊंची और बहुत ही बड़ी बड़ी पीक्स दिखाई देती है यदि मौसम साफ रहा तो। इतने लंबे सफर में हम इतना थक गए थे कि जाते ही सो गए। अगला दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होने वाला है, क्योंकि हम जाएंगे पाताल भुवनेश्वर, पाताल लोक में लेके चलूंगा मैं आपको, जहां आज तक कोई भी कैमरा लेकर नहीं जा पाया है। धन्यवाद आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए। मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर तो करना बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, शंभो। धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर उन्हें भी यात्रा करवाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, शंभो। Oh,